राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। फंदे उठाने शुरू करेंगे तो यहाँ पर अपना धागा लगा लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 यानी कि यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं। तो यहाँ पर अपना जो है ऊन लगा लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और फंदा हम ले लेंगे। इसको बाद में हम जो सिलाई में ठीक कर लेंगे थोड़ा इस तरीके से। अब ये देखिए, हम ऐसे हमने फंदा उठाया, ये देखिए 1 2 3 4। तो हर ये जो हमारी ये बॉर्डर्स के बीच में से हम इस तरीके से सिलाई डालेंगे और इसको जैसे बुनते हैं सीधा ऐसे बुनकर हम ऐसे फंदा ले लेंगे। तो ऐसे हर इस लाइनों के बीच में हम इस तरीके से एक एक फंदा बुनकर यहाँ तक हम फंदे बना लेंगे। तो जितनी लाइनें हैं ये हमारे उसके बीच बीच में से ये देखिए हम ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ से बीच में से हम इस तरीके से फंदा उठा रहे हैं। तो ऐसे हमें यहाँ तक फंदे उठा लेने हैं, ऐसे बीच बीच में से फंदे उठा लिए हैं, ये लास्ट में भी हमने यहाँ, और ये फंदा हमारा। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और एक 21 फंदे हैं। एक हम और यहाँ पर, यानी कि हमारे 22 फंदे जो हमने यहाँ से उठा लिए। बीच के 10 हो गए हमारे, इनको हम इसी तरीके से सीधा बुन लेंगे इसी में। अब इसमें हमें गले की सिलाई लगानी पड़ेगी क्योंकि ये जो है फंदे ज़्यादा हो गए हैं हमारे। ये देखिए हमने सीधे फंदे भी 10 बुन लिए, तो ये हमारी सिलाई के अंदर है। यहाँ से हम गले की सिलाई 10 नंबर की जो है इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से इस तरीके की होती है गले की सिलाई। तो यहाँ से हम फिर से यहाँ पर 22 फंदे उठाए हमने, ऐसे यहाँ पर हम, ये देखिए यहाँ पर ही हमारे 10 फंदे यहीं से किनारे से, यानी कि हर एक लाइन के बीच बीच में से हम फंदे उठा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ से भी हम ऐसे फंदे उठाते हुए आगे चले जाएंगे। ये देखिए दोनों के बीच में से ये दोनों सिलाई के बीच ऐसे बुना, जैसे सीधा बुनते हैं ठीक हम वैसे ही बुन रहे हैं। तो जितनी लाइनें हमारी उतने ही फंदे बनेंगे। देखिए तो यहाँ पर 4 नीचे से बॉर्डर की लाइनें छोड़ के जैसे हमने वहाँ छोड़ी थी, ऐसे हम यहाँ तक 22 फंदे उठा लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ फंदे उठा लिए हैं, ऊन हमारी इधर आ गई। यहाँ से हमने 4 लाइनें छोड़ देनी है, 1 2 3 4। तो दोनों तरफ हमारे 22 फंदे हो गए हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फंदे चारों तरफ से उठा लिए। बीच के 10 फंदे हमने वही रखे हैं, यहाँ से उठाए, यहाँ से 10 फंदे और यहाँ से हमने उठा लिए। दोनों तरफ हमारे 22 फंदे हो गए हैं। हमने इसमें गले की एक सिलाई लगाई क्योंकि ये 2 सिलाई पे नहीं बन सकता अभी। या आप इस तरीके की सिलाई होती है जिसमें ये हमारा पूरा एक तार लगा होता है, जिसमें कि आप जो है पूरे सारे फंदे इसको गोलाई में लेके, यानी कि कोई कैप बनानी हो आपने, पूरा फुल स्वेटर बनाना हो खट्टा, तो इसमें बना सकते हो। तो आप ऐसी सिलाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर ये सिलाई नहीं है तो आप गले की सिलाई एक लगा लीजिए, उसके बाद जैसे ही बड़ा बनता है तो आप 2 सिलाई पे बना सकते हैं। तो गले की सिलाई सबके पास होगी इसलिए मैंने गले की ही सिलाई लगाई है, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। अब ये देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ सेंटर का ये डिज़ाइन है, यानी कि ये जो हमारा बॉर्डर था, इसके साथ में 5 फंदे और इधर के 5 फंदे हमारे ऐसे ही चलेंगे जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर चलाया था। और उसके साथ में हमारी एक एक केबल चलेगी। केबल आप अच्छी लगती है तो आप डाल लीजिए, नहीं अच्छी लगती तो प्लेन भी आप सीधा उल्टा बना सकते हैं। तो यहाँ से शुरू के हम 5 फंदे, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे हमारे ऐसे ही चलेंगे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे, बाकी हमारे सीधे उल्टे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें केबल डालनी है, तो यहाँ पर हम पहले 2 फंदे उल्टे जो कि पीछे से सीधे बुने जाएंगे। तो टोटल हमने 5 फंदे बॉर्डर के और ये 2 फंदे हमने सीधे उल्टे जो चलेंगे हमारे वो हैं, जो केबल के 2 से पहले हमारे। अब ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे लेंगे हम, जो केबल के दोनों तरफ जैसे हमने यहाँ पर डाले थे सेम ऐसे। तो 6 फंदे उल्टे लिए हमने, यानी कि टोटल हमारे 6 फंदे हो गए उल्टे, सॉरी ये हो गए हमारे 5 फंदे बॉर्डर के, 2 फंदे हमारे
उल्टे हमने बने, उसके बाद हम दो फंदे सीधे बना रहे हैं, एक और ये दो। उसके बाद हम छह फंदे हमारे सीधे उल्टे, जो जैसे केबल वाले यानी कि आगे करके उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है इसलिए हमने यहाँ उल्टे बुने, ये हमारी सीधी साइड है, केबल हमारी यहाँ से आएगी और केबल के छः फंदे होंगे, उसके बाद हमारे दो फंदे सीधे क्योंकि ये उल्टी साइड है जैसे मैंने बताया। तो ये हमारा केबल का हिसाब हो गया, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, पांच फंदे हो गए हमारे बॉर्डर के, उसके बाद दो फंदे उल्टे बनाए, दो सीधे बनाए, छः फंदे हमारे हो गए केबल के और दो फंदे फिर सीधे बनाए जो केबल के दोनों तरफ हमारे बनेंगे। अब बाकी के फंदे हम इसी तरीके से उल्टे बना लेंगे क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। तो आपको ये फंदे गिन लेने हैं, यानी कि यहाँ पर आने से पहले इतने फंदे आपको छोड़ देने हैं। तो टोटल हम गिन लेते हैं फंदे, ये पांच, ये पांच फंदे हमारे, फिर दो, फिर दो, फिर ये छह फंदे हमारे केबल के और फिर ये दो। तो ये टोटल फंदे हम गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक फंदा, यानी कि आठ आठ सोलह, एक सत्रह फंदे। यहाँ से सत्रह फंदे छोड़ के हमें बीच के सारे फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं, क्योंकि अभी पहली सिलाई है तो इसलिए अब यहाँ से देखिए ऐसे मुड़ता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अब गले, यहाँ पर इसको छोड़ के गले की सिलाई को फिर से हम लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से अब बन नहीं सकता दूसरी सिलाई से। तो पीछे के यहाँ से सत्रह फंदे छोड़कर उतने हम फंदे बीच के फंदे बना लेंगे। तो ये सारे उल्टे उल्टे फंदे बन रहे हैं। नीचे के जो फंदे, 20 फंदे हमारे टोटल आए हैं यहाँ पर उल्टे उल्टे जो हमने बुने हैं, और ये 17 फंदे हमारे, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर हमें सेम डिजाइन डालना है, तो 17 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक, आठ आठ सोलह एक सत्रह। तो यहाँ से हमें अपना, जैसे पांच फंदे हमारे बॉर्डर के, उसके बाद हमारे दो फंदे उल्टे बने, दो सीधे बने और एक दो तीन केबल के और ये दो फंदे हमारे सीधे बने। तो ऐसे ही बना लेना हमने, जैसे पीछे इधर बनाए साइड में, दोनों तरफ केबल हमारी ऐसे डलेगी, दो फंदे सीधे, छह फंदे उल्टे केबल के, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर केबल के साथ के दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे और आगे के भी पांच फंदे हमारे बॉर्डर के। तो ये हमने अब इस तरीके से बना लिया, अब हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। बस एक सिलाई में हमें थोड़ा होता है। अब यहाँ से हमारी, ये देखिए पांच फंदे बॉर्डर के, ये बॉर्डर के इसी तरीके से चलेंगे उल्टे उल्टे दोनों तरफ से, पहला फंदा बिना बुना लिया और ये पांच फंदे। तो ये हमारी सीधी साइड आ गए हम, ये दो फंदे आपको सीधे अलग से नजर आ रहे हैं, दोनों सीधे ले लिए। ये जो दो उल्टे नजर आ रहे हैं, इनको उल्टे को उल्टा लेना है हमने, सीधे को सीधा लेना है, और बीच के छह जो हमारे केबल के फंदे हैं ये भी सीधे लेने। इस तरीके से हमारी ये दूसरी सिलाई है, छठी सिलाई पे हमारा, हमने केबल डाला था, इस पर भी हम छठी सिलाई पे केबल डालेंगे। तो इसी तरीके से छह सिलाइयां हम बना लेते हैं, यानी पांच सिलाइयां बना लेते हैं, छठी पे हम केबल डालेंगे। अगर हमारी सिलाई, जैसे एक ये हमारी दूसरी है सिलाई जो सीधी पड़ी है, उल्टी उल्टी सिलाई हमारी तीसरी होगी, सीधी हमारी चौथी होगी, पांचवी हमारी उल्टी होगी, तो सीधी पर ही हमारा केबल डलेगा। तो हम छठी की सिलाई तक इसी तरीके से बना लें, छठी पे हम केबल डालेंगे। ये सिलाइयाँ बना ली तो अलग से अब आपको दिखाई देगी कि ये जो हमारे छह फंदे, यहाँ पर हमारी केबल डलेगी और उसके साथ के हमने ये दो दो फंदे जो है उल्टे लिए, ये हमारे बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ में हमारे ये दो फंदे सीधे हैं और ये नीचे का हिस्सा जो कि 20 फंदों का हमारा बना है। तो एक केबल इधर आई है, ये बूट हमारा कुछ इस तरीके से है और एक केबल हमारी इधर आई है, यानी कि दोनों सिरों पर एक एक केबल आई है। तो सेम यही वाली केबल हम डालेंगे और ये जो धारियाँ हैं, ये जो बॉर्डर की धारियाँ हैं, कम से कम 15 से 16 के बीच तक हम इस तरीके से इतना केबल तक हम बनाएंगे।
तो जितना बड़ा आपका पैर हो उस हिसाब से बड़ी या छोटी बना सकते हैं। एक नॉर्मल पैर के लिए हम 15 से 16 जो है हमारी बॉर्डर की धारियां हैं जो हम इतनी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे हमने सेम केबल जो डाली है वही डालेंगे। अगर जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको केबल नहीं डालना, सिंपल बनाना है, तो फंदे उल्टे ले लिए 5, तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। ये दो फंदे सीधे, दो फंदे केबल के साथ वाले उल्टे, ये हमारी छठी सिलाई है। और यहाँ पर हम सेम यही केबल डालेंगे, यानी कि ये 6 फंदे हैं हमारे, इनको 3 फंदों को हम इस तरीके से निकाल देंगे और इस सिलाई में पीछे से 3 फंदे ले लेंगे और फिर से इन सिलाई में एक छः के सॉरी 3 फंदे हम ले लेंगे। तो ये दिक्कत होती है तो आप जो है एक और सिलाई का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ऐसे मुड़ गया। अब ये पीछे जो हमने सिलाई में लिए थे ये भी हमने इसी में डाल लिए। तो ये हमारी केबल डल गई, इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इसी तरीके से आपको हर छठी सिलाई में केबल डालते हुए लेंथ इसकी बनानी है। तो इस तरह से हम पहले अपनी ये बॉर्डर की 16 लाइनें तक, 15-16 लाइनें तक हम बना लेते हैं। देखिए हमने 6 के 6 फंदे बुन लिए, केबल डल गई हमारी। जैसे मैंने पहले बताया केबल आप और कोई केबल डालना चाहे डाल सकते हैं, सिंपल केबल है जो हमने डाली है। हम 2 फंदे उल्टे केबल के साथ वाले और बीच में हमारे 20 फंदे हैं जो हमने सीधे सीधे बुने हैं, जो पैर के नीचे वाले तलवे का हिस्सा है। ऐसे घूम के आएंगे तो यहाँ पर केबल डालेंगे इस तरफ ही, यानी कि दोनों तरफ हमारी ऐसे केबल बनते बनते हम एक लेंथ तैयार कर लेंगे। हमने इस तरीके से बीच में केबल हमारी इधर की तरफ केबल और इधर की तरफ केबल, तो ये जूती की तरह आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारी जो है हमेशा जराब जो होती है हमारी देखने में छोटी लगती है लेकिन पूरे पैर पे जो है सही से कवर हो जाती है। तो ये हमारी जो लेंथ है पूरी हो चुकी है। जैसे हमने कहा था ये बॉर्डर की लाइनें जो है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऊपर की 16, ये 16 लाइनें हमने बना दी है। अब हमारी जो है इतना बोर्ड तैयार हो गया है। अब हमारा जो है चौथा स्टेप है, इसको हमने फंदों को ये जो आधे आधे कर रखे हैं, यानी कि बिल्कुल हम सेंटर में हैं, यहाँ से हमारा एडी का पीछे का हिस्सा बनेगा। जैसे हमने ये बनाया था यहाँ से सेम इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर हमने ये 10 फंदे लिए थे, यहाँ पर भी हम 10 फंदे लें अगर आपकी एडी ज़्यादा चौड़ी है। अगर आपकी एडी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पीछे से पतली है, तो आप यहाँ पर 8 फंदे लेंगे। तो जैसे मेरे एडी पीछे से ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो मैं यहाँ पर 8 फंदे लूँगी। तो ये थोड़ा सा जैसे कहीं कि बहुत भारी होती है पीछे से, तो यहाँ से हम यानी कि ये जो 20 फंदे इसका सेंटर लेना है, यानी कि बिल्कुल यहाँ से जो हमारा सेंटर है यानी कि उसका सेंटर हमने लेना है। तो ये हमारे आधे आधे फंदे हैं, तो बीच में हमने 8 फंदे लेने हैं, यानी कि 4 फंदे हम, ये देखिए हमने ये उल्टी सिलाई पे है हम ऐसे, तो यहाँ हमारे 8 फंदे लेने, तो 4 फंदे हम इधर के इधर उतार लेंगे। तो ये हमारे 8 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये बीच के हमारे 20 फंदे थे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे इधर, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे सेंटर के 8 फंदे हैं, 1 2 3 4। तो ये 8 फंदे हमें सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ घटाए थे ऐसे ही घटाने हैं। तो यहीं से हम घटाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए हमने 8वां फंदा फिर से इस सिलाई में ले लिया है, और यहाँ पर हम ये 8वां फंदा, ये 2 फंदे एक साथ घटा देंगे। 2 फंदे हमने एक साथ घटा दिए और यहीं से हम जो है इसको पलट देंगे, आगे नहीं बुनेंगे, क्योंकि बस हमें 8-8 फंदे ये सारे हमने यहाँ तक जो है घटाने हैं। ये सारे फंदे जैसे हमने पहले घटाए थे सिर्फ बॉर्डर, ऊपर आके हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक फंदा घटा दिया, पलट दिया, सीधी तरफ आ गई, ये बिना बुना ले लिया, और ये एक फंदा हमारा आ गया इसमें, 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा है। तो इधर से ये 8वां और ये दोनों हम फंदे ये देखिए ऐसे सीधे बना लेंगे। तो यहाँ का 2 का 1 कर दिया हमने, फिर हम इसी तरीके से जो पलट के उल्टी साइड आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से बिना बुना एक फंदा लिया,
वैसे जैसे हमने पहले घटाए थे, एक सीधी तरफ एक उल्टी तरफ, ऐसे हम फंदों को घटा लेंगे। ये देखिए, एक बार बस हमने गिनना होता है, उसके बाद अलग से दिखाई देता है, ये देखिए अलग से गैप दिखाई देता है जब हमें पता चलता है ये और ये फंदा हमें एक साथ बुनना है। तो इसी तरीके से हम फिर इसको पलट देंगे। ये देखिए यहाँ से घटना शुरू हो गया, तो यहाँ तक बॉर्डर यानी कि पांच फंदे छोड़ के यहाँ तक हमें इसी तरीके से सारे फंदे घटाने हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से सारे फंदे घटा दिए, सिर्फ ये हमारे बॉर्डर वाले रह गए। अब हम यहाँ से दोनों तरफ से जो है उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, तो उनको हम आगे कर लेंगे। बिना बुना हमने ले लिया फंदा, अब इस तरीके से हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे जिससे ये बॉर्डर हमारा ऊपर बन जाए। अगर आपको ये एडी नहीं बनानी, इससे ये है कि गोलाई आ जाती है एडी के ऊपर, बीच में से कोना होना चुभता नहीं है। अगर आपको नहीं बनाना तो आपकी इसकी लेंथ जो है थोड़ा सा और बढ़ा के आप सीधा जो है सुई धागे से बंद भी कर सकती है, यानी कि ऐसे सिलाई आपकी आ जाएगी जैसे आम हम कई जो बूट में करते हैं। तो अगर आपको ये नहीं बनाना, लेकिन ये इससे जो है फिटिंग बहुत अच्छी आती है एडी के ऊपर और चुभता भी नहीं है कुछ कोना वगैरह जो हम सिलाई करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है, ये देखिए हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं, तो ये लास्ट में हम इस तरीके से उल्टा बंद करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से बॉर्डर की लाइनें आ जाएंगी। ये हमने इस तरीके से पलट दिया, तो अब हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा करके सारे फंदे इसी तरीके से बंद कर देने हैं। तो इसमें हमें जो है सुई का इस्तेमाल नहीं करना, बिना सुई के ही हमारा जो है पूरा बूट बन के तैयार हो जाएगा, कहीं से हमें सिलना नहीं है। और नहीं तो आप इसको ना बनाना चाहें तो जैसे भी मैंने बताया, ये देखिए दो का एक कर दिया, इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना देंगे। हमारी चार लाइनें बन गई हैं, अभी यहाँ पर हमारा आखिरी फंदा, इन दोनों का दो का एक कर लेंगे हम इस तरीके से। और ये हमारा सीधी साइड आ गया है, अब यहाँ से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये हमने पहला फंदा बिना बुना ले लिया, दूसरा फंदा बुना और इसको पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया, फिर ये बुना, इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से बंद कर दिया, ये हमारी बूट जो है बनके यानी कि जूती बनके तैयार हो गई। इसको हम सुई धागे से अंदर की तरफ फिनिश कर देंगे, जो भी हमारे बाहर धागे निकले हुए। जूती बनके तैयार हो गई, हमने 12 फंदों से शुरू की थी। अगर आप 16-17 साल के बच्चों के लिए भी बना रहे हैं यानी कि 12 से लेके, तो आप 12 फंदों से शुरू कीजिए। सिर्फ आपको यहाँ से थोड़ा सा आपको लंबाई जो है थोड़ी सी कम करनी है, जिससे कि आपकी यहाँ की चौड़ाई भी कम हो जाएगी, केवल आप यही डाल सकते हो। लेकिन अगर आप और छोटे बच्चे की बना रहे हो, तो आप 12 फंदों की बजाय जो है 10 फंदों में शुरू कर सकते हो, यानी कि दो या चार फंदे, 8 फंदों में शुरू, तो बीच की केवल आप 4 फंदों की डाल सकते हो, तो आपकी केबल आ जाएगी। अगर केबल नहीं भी डालना चाहे तो आप यहाँ पर बटन लगा सकते हो। ये जो हमारी लेंथ हम कितनी, यहाँ से ये चौड़ाई जो हमारी है, इस चौड़ाई में आपके 6, 7, 8 नंबर तक जो है पैर इसी, मतलब कि जो मैंने बनाया इसी में कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपको लंबाई जो है कम या ज़्यादा करनी है। अगर आपका पैर बहुत ही ज़्यादा पतला है, हल्का है, तो आप यहाँ से जो है, ये मैंने 16 लाइनें की बनाई है, इसकी जगह जो आप 14 लाइनों पे बंद कर सकते हैं, एडी बना सकते हो, आपका थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा। जैसे पैर बहुत मोटा होता है लेकिन पैर छोटा होता है, तो उसमें आप ये लेंथ जो है कम कर दीजिए। तो उम्मीद है मुझे आपको ये जूती पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।